हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद श्री लक्ष्मी में। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ अंगूरी रसमलाई की रेसिपी। बच्चे हो या बड़े, ये सबकी फेवरेट है और बच्चे तो ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। ये छोटे छोटे से रसगुल्ले जब बच्चे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रसमलाई बनाने के लिए हमें चाहिए छेना। इसके लिए मैंने गैस पे एक बर्तन को रख दिया है। बर्तन में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर हम इसमें दूध डालेंगे। यहाँ मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ। ये गाय का दूध है, अगर आप चाहें तो भैंस के भी दूध से छेना बना सकते हैं। दूध को हम बीच बीच में 1-2 बार चलाते रहेंगे ताकि इसमें मलाई न पड़े। 1-2 बार उबाल आने के बाद गैस को हम कम कर देंगे। दूध को फाड़ने के लिए मैं ले रही हूँ वाइट विनेगर। यहाँ मैं 2 चम्मच वाइट विनेगर ले रही हूँ। उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप नींबू से भी फाड़ सकते हैं। और दूध में हम थोड़ा थोड़ा विनेगर को डालकर और चलाते रहेंगे। इसे हमें लगातार ऐसे ही चलाते रहना है। इसे हम तब तक चलाएँगे जब तक कि दूध और छेना दोनों अलग ना हो जाए। मेरे पास थोड़े सा और विनेगर बचा था, मैं इसे भी डाल दे रही हूँ इसमें। ये देखिए पानी और छेना दोनों अलग हो गए हैं। तो हम इसे सूती कपड़े से छान लेंगे। इसके लिए मैंने एक छन्नी पे कपड़े को डाल दिया है। अब इसमें हम इस पानी को और छेना को डाल देंगे। आप इस छेना को पानी को फेंके नहीं, अगर आप चाहे तो इससे रोटी या पराठा या पूरी का आटा गूंथ सकते हैं। इससे नरम बनती है। अब हम छेना में नॉर्मल पानी डालकर इसे हम अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि जो विनेगर का खटास है वो निकल जाए। तो मैंने छेना को 2 बार पानी से धो लिया है। अब हम इसके पानी को निचोड़ कर निकाल देंगे। पानी निकाल कर हम छेना को छन्नी पे ऐसे ही करके आधे घंटे तक रख देंगे या आप इसे टांग दें। आधे घंटे के बाद हमने छेना को थाली में निकाल लिया है। अब हम छेना को ऐसे हाथ से तोड़कर और इसे अच्छे तरह से मलेंगे ताकि छेना हमारा सॉफ्ट हो जाए। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक मलना है ताकि ये इस तरह से डो बन जाए। अब ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे मथेंगे। तो हाथ की ये जो हथेली है इससे हम इसे इतना मथेंगे कि छेना में जो दाने हैं वो टूट जाए और छेना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 6 से 7 मिनट तक मथने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे आरारोट पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो आरारोट पाउडर डाल। इसे हमें 3 से 4 मिनट तक ऐसे मथना है। 3 से 4 मिनट मथने के बाद छेना हमारा सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसे अब हम छेना से छोटा छोटा लोई बनाएंगे एकदम अंगूर के साइज का। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से एक एक करके हम सारे छेना को बॉल्स बना लेंगे। इसे
इसे पकाने के लिए हमें चाहिए चाशनी, तो इसके लिए मैंने गैस पे एक बर्तन रख दिया है। उसमें चीनी और पानी, आप जितना चीनी ले उसके दुगने से थोड़ा ज़्यादा पानी ले। तो चाशनी के लिए मैंने 2 कप चीनी लिया है और पानी मैं 5 कप ले रही हूँ। अब गैस को हम ऑन कर देंगे और इसे 2 से 3 उबाल आने तक हमें इसे पकाना है। चाशनी में उबाल आ गया है। अब इसमें हम छेना के बॉल्स को जो हमने बना कर रखा था उसे हम एक एक करके डालेंगे। एक बार में हम नहीं डालेंगे, पहले हम एक बॉल्स को डाल कर चेक कर लेंगे और उबलते हुए चाशनी में हम एक एक करके सारे इन छोटे रसगुल्लों को हम डाल देंगे। इसी तरह से हमने सारे रसगुल्लों को डाल दिया है पकने के लिए। इसे हम 3 से 4 मिनट तक खुले में पकाएंगे, फिर उसके बाद हम ढक्कन लगा देंगे और इसे 3 से 4 मिनट तक हम ढक कर पकाएंगे। बीच बीच में आप इसे चेक करते रहें। तो ये देखिए रसगुल्ला हमारा पक गया है। इसे हम चाशनी से निकाल कर ठंडे पानी में डाल देंगे। ये देखिए रसगुल्ला हमारा कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए एकदम स्पॉन्ज जैसा बना है, ये लग रहा है ना कि मार्केट जैसा बना है। तो चलिए इसके लिए हम रबड़ी बनाएंगे। इसके लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है, उसमें हम डाल देंगे दूध। दूध मैंने 1/2 लीटर से थोड़ा ज़्यादा लिया है। दूध को हम थोड़ी देर तक पकाएंगे ऐसे चलाते हुए, और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। और बीच बीच में हम इसके किनारे के मलाई को भी निकालेंगे ताकि ये चिपके नहीं उसमें, और दूध में मिलाते जाएंगे इसे हम। और ये देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे केसर। केसर को मैंने थोड़ी देर पहले गर्म दूध में भिंगो कर रख दिया। रसमलाई में कलर के लिए डाल देंगे हम केसर कलर, और दूध को हम थोड़ा और गाढ़ा करेंगे। दूध हमारा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी, और चीनी को भी हम 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर और कटा हुआ थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा कर। इसे ठंडा करने के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो मैं इसे एक बर्तन में निकाल दे रही हूँ। इसे हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे, गर्म गर्म में नहीं डालेंगे हम। तो रबड़ी हमारा ठंडा हो गया है, और रसगुल्ले को भी हमने पानी से निकाल दिया है। और रसगुल्ले में हम सारी रबड़ी को डाल और इसे हम थोड़ा सा ऐसे मिला लेंगे। तो ये मिल गया है। अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा कटा हुआ ड्राई फ्रूट्स। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप उसे डाल सकते हैं इसमें। और इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, और 2 घंटे के बाद हम इसे सर्व करेंगे ठंडा ठंडा। तो ये देखिए हमारा ठंडा ठंडा अंगूरी रसमलाई बनकर तैयार है। अब हम इसके ऊपर से डाल देंगे कटा हुआ और गुलाब की पंखुड़ी से सजा दें इसे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।